हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था ये वो नोटिस है जो कि जितेंद्र जी जनता दरबार में गए थे उस समय नोटिस भेजा गया था और बोला गया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। तो बात कितना सच था इस वीडियो में और इस नोटिस में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि बीटीएससी से पल पल की अपडेट के लिए इस चैनल आप सबको विश्वसनीय बन गया है। तो चलिए देखिए वीडियो को अंत तक। चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप सबको पल पल का अपडेट मिलते रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिस भेजा गया था सामान्य प्रशासन विभाग को। विषय क्या है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित प्राप्त आवेदन के संबंध में। वहां से यहां से देखिए, जो जितेंद्र जी गए थे जनता दरबार में, ये 16/7/2021 का नोटिस है, डेट भी पहले आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें लिखा गया था कि देखिए, सबसे पहले यहां देख लीजिए आप, निर्देशानुसार उपयुक्त तो वाद में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल आदेश पारित नहीं होने की स्थिति में अगस्त के प्रथम सप्ताह तक मेधा सूची तैयार कर चयनित सूची के अनुशंसा कर दिया जाना संभावित है। बीटीएससी ने साफ साफ बोल दिया था सामान्य प्रशासन विभाग को कि आपका मेधा सूची जारी कर दिया जाएगा, संभावित है अगस्त के फर्स्ट वीक में, लेकिन नहीं हुआ। कारण भी जान लीजिए, नोटिस को सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2019 अंतर्गत कनीय अभियंता सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पदों पर कुल 6379 अभ्यर्थियों के काउंसलिंग कार्य की समाप्ति के उपरांत आयोग स्तर पर जांच एवं मेधा सूची तैयार कर ली गई है। देखिए यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। बार बार मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि मेधा सूची तैयार है, लेकिन आप लोग कमेंट में अभद्र शब्द तो लिखना नहीं भूलते हैं। और आप सबको ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को विश्वास दिला रहा हूँ। बस तैयार कर ली गई है। वर्तमान में सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा जांच की जा रही है। जांचोपरांत आयोग का अनुमोदन प्राप्त होते ही मेधा सूची अनुशंसा सहित भेज दी जाएगी। यहाँ पर देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में विज्ञापन संख्या 1/2019 से संबंधित कुल 65 वाद लंबित है। अभी अभी नोटिस में आया कि 70 वाद लंबित है। ये है कितना, 16 जुलाई के डेट में, यानी 16 जुलाई से अभी तक में 5 वाद बढ़ गया, मतलब 5 केस और बढ़ गया। उस समय 65 था और आज का जो नोटिस देखे, जो कि अभी बताया आपको, 70 वाद लंबित है, समझिए आप। जिसमें कि CWJC 3139/2021 सुनील कुमार सिंह VS राज्य सरकार में दिनांक 1 जुलाई 2021 को पारित आदेश में स्टेटस क्यू एज एग्जैक्टिंग टूडे का आदेश पारित किया गया है। वाद की अगली तिथि 20 जुलाई 2021 को निर्धारित है। उस समय का नोटिस है, ध्यान दीजिएगा, इस डेट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखा गया था जो कि आप लोग को बताया गया था जब जितेंद्र जी जनता दरबार गए थे, तो उनको बताया गया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या, उपयुक्त बाद में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल आदेश पारित नहीं होने की स्थिति में अगस्त के प्रथम सप्ताह तक मेधा सूची तैयार कर चयनित सूची अनुशंसा कर दिया जाना संभावित है। देखिए इस नोटिस में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आपको बस विश्वास दिलाने के लिए मैं ये नोटिस आप लोग को दिखाया हूँ कि आपको मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा कि जो बोलता था मैंने सही है या फिर नहीं। लोग को विश्वास दिला रहा हूँ, इसलिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए ये इसमें क्या लिखा गया है कि मेधा सूची तैयार कर ली गई है। 16 जुलाई को ही बताया गया था कि मेधा सूची तैयार कर लिया गया, आप लोग को वीडियो में कई बार बताया था। तो समझ चुके होंगे कि आप ये नोटिस में क्या था और क्या नहीं था। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।